हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से मकर संक्रांति पर्व का ग्रुप पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से मकर संक्रांति पर्व का ग्रुप पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करके ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे, यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग मकर संक्रांति बैनर PLP पे क्लिक करेंगे, ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पे जो भी फॉन्ट है वो आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हो या फिर यहाँ पे जो मकर संक्रांति लिखा हुआ है उसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी मकर संक्रांति लिखा हुआ है उसे अनलॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ए वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके कलर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप लोग ग्रेडियन कलर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे ए बी फॉन्ट पे क्लिक करके इसका फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको लॉक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ फ़ोटो PNG लगा रखा है, तो ये फ़ोटो PNG भी आप लोग चेंज कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ़ोटो PNG डिलीट कर देंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और जहाँ भी हमने फ़ोटो PNG सेव करके रखा है उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपने गांव का एड्रेस डाला हुआ है। दोस्तों, आप लोग अपने गांव का एड्रेस या अपने सिटी का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी पता लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस अपडेट करके ओके कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रुप फ़ोटो PNG लगा रखा है, साथ में नीचे नाम भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग अपना, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, अपने परिवार वालों का या अपने गांव के लोगों का फ़ोटो PNG ऐड करके अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और जिस फ़ोटो PNG को डिलीट करना है उसे अनलॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर बीच वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके टेक्सचर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे गैलरी वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फ़ोटो PNG सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला फ़ोटो PNG मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो 3 Gen 4 उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे जो फ़ोटो है उसका साइड भी चेंज कर देंगे।
उसके बाद ओके कर देंगे। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो पीएनजी चेंज कर दिया है। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग बाकी की फ़ोटो पीएनजी भी चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे, इमेज फॉर्मेट में जीपीजी या पीएनजी सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।